अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से मूली के पराठे। और मज़े की बात तो ये है कि आज जो हम मूली के पराठे बनाने जा रहे हैं, इसमें ना तो हमें आटे को गूंदना पड़ेगा और ना ही बेलना पड़ेगा, बल्कि आज हम मूली के पराठे बनाएंगे लिक्विड डो के साथ, जो कि बहुत ही जल्दी फटाफट से तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़े के भी बनते हैं। सर्दियों में तो हर घर में ही मूली के पराठे बनाए जाते हैं, तो आप लोग इस रेसिपी के साथ मूली के पराठे तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी भी बन जाएंगे और बहुत मज़े के भी बनेंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो यहाँ मैंने सब चीज़ों की कटिंग शटिंग कर ली है और सबसे पहले हमें चाहिए होगी मूली। मैंने एक बड़े साइज की मूली ली थी और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, और सबसे पहले आपने इसको ग्रेट करने के बाद इसका पानी निचोड़ लेना है। तो हमें मूली चाहिए होगी 1 कप के बराबर। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर कुछ चीजें ली हैं जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ। उसके बाद हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून अनारदाना, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ ली है कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, हरा धनिया लिया है कटा हुआ 2 टेबलस्पून, लाल वाली मिर्च मैंने ली है 1 अदद और हरी वाली मिर्च ली है 1 अदद, और इन दोनों को चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले मूली के साथ ही ये सब चीजें हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। जी जनाब, तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया और उसमें सब चीजों को मैंने ऐड कर दिया, और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया 1 अदद अंडा। अंडे से बहुत मजेदार से क्रिस्पी से हमारे जो पराठे हैं ना, वो तैयार होंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के बराबर नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 कप इसमें जाएगा आटा। अच्छा, आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाइट आटे का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर कुछ लोग मैदे का भी इस्तेमाल करते हैं, बट यू नो व्हीट फ्लोर इज मोर हेल्दी देन प्लेन फ्लोर। अच्छा जी, उसके बाद इसमें जाएगा जी 1 कप पानी, यानी कि 1 कप ही आटा जाएगा और 1 कप ही पानी इसमें ऐड कर देंगे, और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है कि सब चीजें वेल कंबाइंड हो जाएं। अच्छा जी, इन पराठों को आप मूली का पानी स्क्वीज किए बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में अगर आपकी मूली कर्वी नहीं है। अगर मूली कर्वी है तो फिर आप बेहतर यही है कि आप पानी निचोड़ लीजिएगा। जी जनाब, तो बैटर को मिक्स करने के बाद हमारे पास बैटर कुछ इस सूरत में है कि ये ना तो ज्यादा रनी है और ना ही बहुत ज्यादा थिक है, तो ये बिल्कुल इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब आ जाते हैं पराठों की मेकिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज का पैन ले लिया है, जिस साइज के आपने पराठे बनाने हैं उसी साइज का पैन ले लें तो बेहतर है। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून घी का। मैंने आज पराठे बनाए हैं घी में, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी में पराठे ना ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं, तो इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। पैन के साइज के अकॉर्डिंग आपने पूरे बैटर को इवनली फैला देना है। उसके बाद चम्मच से आपने इसके किनारों को सेट करना है, ताकि जो हमारे पराठे की शेप है ना, वो बिल्कुल गोल आए। ठीक है, इस तरीके से आपने इवनली इसको सेट कर लेना है, फिर ही आपके पराठे की शेप गोल आती है और वो दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद जी, जब 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद एक साइड से पराठा थोड़ा सा कुक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो फिर हमने इसको टर्न कर देना है और पराठों को आपने मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। उसके बाद 2 मिनट मजीद गुजरेंगे और दूसरी साइड से भी पराठा जब कच्चा पक्का सा हो जाएगा, तो फिर टर्न करने के बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कच्चा पक्का सा पराठा आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मजीद घी का ऐड करेंगे और इसको दोबारा से हम टर्न कर देंगे। अब हम इसको कुक करेंगे तब तक के लिए जब तक हमारा पराठा क्रिस्पी सा तैयार नहीं हो जाता और इसका रेडिश सा कलर नहीं आ जाता। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे और यहाँ हमारा जो पराठा है ना, वो एक साइड से कुक हो गया है। दूसरी साइड से भी हम सेम ऐसे ही कुक कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो पराठा है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, और इसका जो कलर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, और इसका जायका तो कमाल का था ही। तो इंशाल्लाह आपको ये पराठे बहुत पसंद आने वाले हैं, इसलिए ट्राई जरूर कीजिएगा। बनाना भी बहुत आसान है, मेकिंग भी इसकी बहुत आसान है और कुकिंग भी आसान है। अब बाकी के सारे पराठे भी हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे, और इतने बैटर से ना आपके 5 पराठे इजीली बन जाते हैं। अब जनाब, पराठों को आप सर्व कर सकते हैं अचार के साथ, या फिर दही के रायते के साथ, या फिर बच्चे इसको केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग इनकी लुक चेक कीजिए, कितने मजे के क्रिस्पी से लग रहे हैं। तो जनाब, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। आपकी सपोर्ट के साथ ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।